हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज, मैं हूँ चंदन। तो गाइज, आज हम बात करने वाले कि आपको SEO करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं एंड हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर SEO। तो गाइज, आज हम पहले यहाँ पे टॉपिक क्लियर करने वाले कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। सेकंड गाइज, हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाई इज कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट। थर्ड, हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के कौन कौन से एलिमेंट है। एंड गाइज, हम यहाँ पे फोर्थ बात करेंगे हाउ टू रिसर्च कीवर्ड फॉर SEO स्ट्रेटेजी, यानी कि गाइज SEO स्ट्रेटेजी के लिए हमें कौन कौन से टूल यूज करना है जिससे गाइज हम यहाँ पे कीवर्ड आसानी से निकाल सके। एंड गाइज, फिफ्थ हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू फाइंड एंड चूज कीवर्ड फॉर यूर वेबसाइट। तो आज गाइज हम इन पांच टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करने वाले। तो गाइज, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड तभी गाइज आप लोगों के समझ में कीवर्ड रिसर्च के जो प्रोसेस है वो गाइज आप लोगों के समझ में आ सके एंड आप अपने आर्टिकल को, अपने पेजेस को एंड अपनी वेबसाइट को गाइज इजिली जिससे रैंक कर पाओगे। तो पहला गाइज हमारा यहाँ पे था कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, यानी कि गाइज कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। कीवर्ड रिसर्च वह प्रोसेस है जो गाइज किसी यूजर के द्वारा गूगल में सर्च किया जाता है। यानी कि गाइज, अगर आपको किसी चीज का फुल डेटा आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, किसी कीवर्ड को गूगल में जाके सर्च करोगे एंड उसके बाद गूगल जो रिजल्ट वहां पे शो करता है वो डेटा गाइज आपको दिखेगा एंड उस डेटा से गाइज आपकी काफी हेल्प होगी। तो वो गाइज हमारा यहाँ पे होता है कीवर्ड रिसर्च। सेकंड गाइज, मैंने आपको बोला कि व्हाई इज कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट, यानी कि गाइज कीवर्ड रिसर्च हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर भी गाइज चार पॉइंट होता है। पहले पॉइंट होता है मार्केटिंग ट्रेंडिंग इनसाइट, यानी कि गाइज मार्केट में जो चीज यहाँ पे ट्रेंड में चल रहा है उस कीवर्ड को, उस टॉपिक को गाइज आपको लेना है। मार्केट में यूजर को गाइज जिस कीवर्ड की जरूरत है वही ट्रेंड में चलता है, तो उस कीवर्ड को गाइज आपको फाइंड करना है। सेकंड गाइज, यहाँ पे आता है आपका ट्रैफिक ग्रोथ, यानी कि गाइज आपको अपने ट्रैफिक को ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले उन कीवर्ड को निकालना होगा जिन कीवर्ड का रिलेवेंस बहुत अच्छा होगा, यानी कि गाइज जिन कीवर्ड की जरूरत ऑडियंस को होगा, तो आपको गाइज वो कीवर्ड यहाँ पे निकालने होता है। एंड गाइज थर्ड है यहाँ पे कॉल टू एक्शन कीवर्ड, यानी कि गाइज वो कीवर्ड जो कीवर्ड गाइज ऑडियंस को अच्छा लगेगा। यानी कि गाइज अगर मान लो आपने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में आपने एक कॉल टू एक्शन वाला कीवर्ड वहां पे डाल दिया, तो यूजर को गाइज ऑडियंस को वो कीवर्ड देखेगा एंड उस पे क्लिक करेगा। तो आपको गाइज कॉल टू एक्शन वाले कीवर्ड गाइज आपको हमेशा यूज करना होता है। एंड गाइज उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है कीवर्ड टॉपिक्स, यानी कि गाइज हमें कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स निकालने होते हैं, तभी गाइज हमें यहाँ पे पता लगता है कि हमें कौन से कीवर्ड पे एंड कौन से टॉपिक पे यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल को रेडी करना है। तो ये चार चीजें गाइज सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद गाइज जो थर्ड पॉइंट था वो था यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च, यानी कि गाइज सबसे पहले गाइज हमें कीवर्ड एलिमेंट्स में देखना होता है रिलेवेंट, यानी कि गाइज जो आपका कीवर्ड है उसके रिलेवेंट गाइज आपको टॉपिक को लिखना होगा। आपके आर्टिकल में जो भी गाइज कंटेंट आएगा वो कीवर्ड के रिलेवेंट गाइज होना चाहिए। तो आपको गाइज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड के एलिमेंट है वो गाइज यहाँ पे है रिलेवेंट। सेकंड गाइज यहाँ पे है वॉल्यूम, यानी कि गाइज आप जब भी कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें उस कीवर्ड का एक वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को हमें देखना होता है। तो ये भी गाइज आपको यहाँ पे देखना है। एंड थर्ड है गाइज यहाँ पे अथॉरिटी, यानी कि गाइज जिस कीवर्ड को हम निकाल रहे हैं उस कीवर्ड की अथॉरिटी क्या गूगल में है या नहीं है, यानी कि SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में गाइज उस कीवर्ड की अथॉरिटी है या नहीं है, तो वो भी गाइज हमें यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे फोर्थ आता है हाउ टू रिसर्च कीवर्ड फॉर यूर SEO स्ट्रेटेजी, यानी कि गाइज अपनी SEO स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कीवर्ड रिसर्च को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल यूज करना है जिससे गाइज हमें कीवर्ड निकालने में काफी आसानी हो एंड हम अपने आर्टिकल को, अपनी वेबसाइट को गूगल में गाइज इजिली रैंक कर पाएंगे। तो पहला टूल है गाइज यहाँ पे Ahrefs वेबमास्टर टूल, इससे गाइज हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हमें वहां पे सर्च वॉल्यूम मिल जाता है, CPC मिल जाता है, कीवर्ड में कितना यहाँ पे SEO डिफिकल्टी है वो मिल जाता है। तो हम गाइज यहाँ पे Ahrefs वेबमास्टर टूल का यूज करके अपने आर्टिकल के लिए, अपने पेजेस के लिए अच्छे से गाइज कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड है गाइज यहाँ पे SE रैंकिंग, यानी कि SE रैंकिंग भी एक कीवर्ड रिसर्च का ही टूल है, इसको भी हम अच्छे से यूज करके अपने लिए कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है थर्ड आपका SEMrush, यानी कि गाइज SEMrush भी एक SEO का टूल है, ये भी गाइज काफी अच्छा है।
इसमें भी कैसे हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हमें मिल जाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी हमें मिल जाता है, सीपीसी हमें मिल जाता है, कीवर्ड के रिलेटेड और भी कीवर्ड हमें मिल जाते हैं, क्वेश्चन वाले कीवर्ड हमें मिल जाते हैं, यानी कि काफी अच्छे से हम यूज करके वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। एंड जो हमारे टारगेट कीवर्ड है उस कीवर्ड को भी हम गूगल में गाइस इजीली रैंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एसईओ का फोर्थ टूल है वो है गाइस यहाँ पे ऊबर सजेस्ट, यानी कि गाइस ऊबर सजेस्ट एसईएम रेस्ट की तरह सेम टूल है, उससे भी हम अपने कीवर्ड को निकालने में गाइस काफी हेल्प मिल जाती है, तो उसका भी गाइस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सिक्स्थ जो टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, तो इस टूल को गाइस आप जानते होंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर का एक गूगल का ही टूल है एंड उसका यूज हम फ्री में कर सकते हैं। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे गूगल ट्रेंड है, ये भी गाइस एक गूगल का ही टूल है, उसका यूज करके भी गाइस आप गूगल में जितने भी कीवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं वो कीवर्ड गाइस आपको मिल जाते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने आपको बता दिया, गूगल ट्रेंड्स इसका भी गाइस आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो 8th नंबर में टूल आता है वो है गाइस यहाँ पे keywords.io, यानी कि गाइस keywordtool.io, इसका भी गाइस आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें भी गाइस आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आपको मिल जाता है, यानी कि गाइस काफी सारे गाइस कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, जो आपको कीवर्ड है जिस कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड गाइस हमें और काफी सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट टूल है KW फाइंडर, ये भी गाइस एसईओ का टूल है, इसमें भी हमें काफी अच्छे से कीवर्ड मिल जाते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट टूल है रैंक ट्रैकर, ये भी गाइस एसईओ का टूल है, इससे भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो लास्ट टूल है वो है गाइस यहाँ पे आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक गाइस एक इतना अच्छा टूल है, उसको गाइस आपको अगर यूज करेंगे कोई कीवर्ड अगर आपने डाल दिया तो ए से लेकर जेड तक गाइस आपको कीवर्ड मिल जाते हैं एंड काफी अच्छे से गाइस आप वहां पे कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। एंड गाइस उन कीवर्ड का यूज गाइस आप अपने टॉपिक में डाल सकते हैं, यानी कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में भी गाइस आप यूज कर सकते हैं। तो ये 11 टूल गाइस मैंने आज आप लोगों को बता दिया। एंड उसके बाद गाइस हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हम एसईओ क्यों करते हैं, यानी कि गाइस हाउ टू फाइंड एंड चूज कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, कि हम अपने वेबसाइट के लिए क्यों कीवर्ड को फाइंड करते हैं एंड हम अपने वेबसाइट के लिए एसईओ क्यों करते हैं। एंड इसके अंदर भी गाइस काफी सारे टॉपिक आते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो है गाइस यहाँ पे कीवर्ड प्रायोरिटी, यानी कि गाइस आप जिस कीवर्ड को आपको पहले जरूरत है, जो कीवर्ड पहले प्रायोरिटी पे है, उस कीवर्ड का गाइस आपको यूज करके उस कीवर्ड का अच्छे से डिटेल्स करके गाइस आपको उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है। सेकंड गाइस चूज द सर्च फीचर्स कीवर्ड, यानी कि गाइस SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो इसमें गाइस जो पहला आता हुआ था गाइस यहाँ पे इमेज स्नैपेट, यानी कि गाइस अगर आप गूगल में जाके किसी इमेज को सर्च करते हैं तो नीचे गाइस आपको दिखेगा वहां फीचर स्नैपेट, तो अपने आर्टिकल में भी गाइस हमें यहाँ पे इमेज स्नैपेट को लगाना होगा। सेकंड गाइस यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है गाइस यहाँ पे पैराग्राफ स्नैपेट, यानी कि गाइस आपको अपने आर्टिकल में पैराग्राफ करके भी आपको यूज करना है। उससे क्या बेनिफिट है, अगर गूगल में कोई सर्च करेगा आपका जो कीवर्ड है, अगर गूगल को आपके आर्टिकल के अंदर कोई पैराग्राफ अच्छे से मिल गया, उसका एक सटीक आंसर आपको मिल गया, तो गाइस आपका जो आर्टिकल है गूगल के टॉप, यानी कि गाइस फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा, वहां पे लिख के आएगा फीचर स्निपेट, तो हमें गाइस यहाँ पे पैराग्राफ स्निपेट का भी यूज करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट स्निपेट, यानी कि गाइस आप जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो लिस्ट बना के भी गाइस आपको वहां पे आर्टिकल लिखना है, पॉइंट बना के भी आर्टिकल लिखना है। उससे गाइस हमें क्या करेगा, गूगल में अगर कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो वहां पे टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट आएगा, वो गाइस अगर आपका आर्टिकल में होगा तो गूगल गाइस पहला पेज पे फर्स्ट पेज में आपका आर्टिकल को रैंक करेगा। तो आपको क्या करना है, लिस्ट स्निपेट यानी कि लिस्ट फीचर स्निपेट का भी गाइस आपको यहाँ पर यूज करना है अपने आर्टिकल में। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है वीडियो स्निपेट, यानी कि गाइस आपको अपने आर्टिकल में अपनी वेबसाइट में वीडियो को भी डालना है। अगर कोई कीवर्ड गूगल में जाकर सर्च करते हैं उसके कीवर्ड के आगे अगर कोई वीडियो करके लिखता है तो गाइस आपका आर्टिकल और वीडियो गाइस गूगल में दिखेगा एंड पहला फर्स्ट पेज में गाइस रैंक करेगा। तो हमें गाइस क्या करना है, इमेज स्निपेट आपको लगाना है, पैराग्राफ स्निपेट आपको लगाना है, लिस्ट स्निपेट आपको लगाना है एंड वीडियो स्निपेट गाइस आपको लगाना है। तो ये 4-5 स्निपेट गाइस आपको अपने आर्टिकल में यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है गाइस लॉन्ग टेल कीवर्ड। गाइस आपने सुना होगा अगर आपकी वेबसाइट नई वेबसाइट है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबकी नई वेबसाइट ही होती है, तो शॉर्ट कीवर्ड अगर आप यूज करोगे तो कभी भी गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है। उससे क्या होगा कि अगर आप
लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं और गूगल को जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो आपके आर्टिकल में दिखेगा, आपके यूआरएल लिंक में दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, टाइटल में दिखेगा, आपके आर्टिकल के अंदर दिखेगा, तो डेफिनेटली जो आपका आर्टिकल है वो गूगल के गाइस फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा। आपको इस चीज का ध्यान देना है। स्टार्टिंग में गाइस हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना है। लॉन्ग टेल का मतलब जो लंबा कीवर्ड होता है वो गूगल में जल्दी रैंक होता है। तो आपको गाइस ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान देना है। जब भी आपकी वेबसाइट अगर नई वेबसाइट है कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर पा रही है तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड गाइस आपको यूज करना है। उसमें क्या होता है, सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है गाइस ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो इस बात को भी आपको गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट है गाइस, कॉम्पिटिटर यूज कीवर्ड, यानी कि गाइस जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर आपके कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, जिस कीवर्ड को आपको यूज करना चाहिए वो कोई और यूज कर रहा है। जहां पे आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करना चाहिए वहां पे गाइस आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है। जो ट्रैफिक आपको मिलना चाहिए वो ट्रैफिक गाइस कोई और लेके जा रहा है, यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है आपके बराबर ही कर रहा है। तो उसको आपको बीट करने के लिए गाइस उसके जो कीवर्ड है उन कीवर्ड को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको उन कीवर्ड को कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है गाइज, जैसे मैंने बताया कि आपका SEMrush है टूल है गाइज, SEMrush में आप उस वेबसाइट को डाल सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर है एंड उस कॉम्पिटिटर के आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड मिलेंगे SEMrush में आप यूज कर सकते हैं। उन कीवर्ड को निकाल के गाइज आपको उन कीवर्ड पे अच्छे से आर्टिकल लिख के अच्छे से काम करना है। एंड गाइज याद रखना गाइस, जिन कीवर्ड पर आप काम करोगे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो पीछे चल जाएगा और आपकी वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर से आगे चले जाएगा। तो उन कीवर्ड पे आपको काम करना है। एंड गाइस आज के वीडियो में आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमें SEO हम क्यों करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेबसाइट के लिए हम कीवर्ड सर्च क्यों करते हैं, SEO क्यों करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से टूल्स हैं एंड कीवर्ड सर्च क्या होता है एंड कीवर्ड सर्च के क्या क्या एलिमेंट है, ये सारे चीजें गाइज मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है एंड गाइज आपको सीखने को मिला है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी गाइज आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम काफी चीजें गाइज डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो तब तक आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज आप लोगों को अपने ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।